बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने दो बड़े सियासी फैसले लिए हैं। फैसला नंबर एक, बीएसपी पूरे देश में अकेले चुनाव लड़ेगी और किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। फैसला नंबर दो, पंजाब में अकाली दल के साथ गठबंधन नहीं रहेगा। कभी देश की सियासत में नंबर तीन की पार्टी रहने वाली बीएसपी की सुप्रीमो मायावती के ये फैसले बड़े ही चौंकाने वाले हैं। सवाल ये उठता है कि क्या मायावती किसी की कठपुतली बन गई है? मायावती के फैसले के पीछे क्या प्रेशर पॉलिटिक्स काम कर रही है? क्या मायावती को घर बैठने के लिए मजबूर किया गया है? क्या मायावती से फैसले मनमाने करवाए जा रहे हैं? क्या मायावती मजबूरी की पॉलिटिक्स कर रही हैं? क्या मायावती का वोट बैंक शिफ्ट किया जा रहा है? आखिर क्यों मायावती फील्ड की पॉलिटिक्स नहीं कर रही हैं? मायावती बीएसपी को मजबूत क्यों नहीं कर रही हैं? मायावती नुकसान वाले फैसले क्यों ले रही हैं? और मायावती के फैसलों से किसको फायदा हो रहा है? 2019 के चुनाव को आप ध्यान से देखिए। उन चुनाव में मायावती एक बड़ी ताकत थी, लेकिन उसके बाद जब यूपी के चुनाव आए तो अचानक ही मायावती और बीएसपी दोनों ही ठंडे पड़ गए। जो मायावती पूरे उत्तर भारत में और बिहार तक अपना असर रखती थी, जिस बीएसपी का एक मजबूत वोट बैंक था, अचानक ही वो पार्टी हाशिए पर चली गई है। मायावती का वोट बैंक केंद्र की सरकार बनाने के फैसला करता आया था, ऐसे में अचानक क्या कारण हो गया कि मायावती डिफेंसिव हो गई है, मायावती घर पर बैठ गई है और बीएसपी की एग्रेसिव पॉलिटिक्स खत्म हो गई है? जाहिर सी बात है, ये फैसले मायावती की खुशी के नहीं हैं, मायावती की मनमर्जी के नहीं हैं। तो क्या मायावती प्रेशर पॉलिटिक्स की शिकार हो गई हैं? क्या मायावती किसी मजबूरी में ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे बीजेपी को तो फायदा हो रहा है और विपक्षी दलों को नुकसान हो रहा है? मायावती के ताज़ा फैसले से जाहिर तौर पर पूरे देश की पॉलिटिक्स पर बड़ा असर पड़ेगा। राहुल गांधी और कांग्रेस दोनों ही यह कोशिश कर रहे हैं कि पूरा विपक्ष लामबंद होकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़े। 30 जनवरी को राहुल गांधी की श्रीनगर में यात्रा के समापन पर 26 पार्टियों को जो नोटा भेजा गया है, उसमें बीएसपी भी शामिल है। जब तक बीएसपी कांग्रेस के साथ रही थी, तब तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस भी मजबूत थी और मायावती भी सरकार की दावेदार थी, लेकिन जब से गठबंधन टूटा है उसके बाद से कांग्रेस भी हाशिए पर चली गई और बीएसपी भी कमजोर हो गई। कहने को तो ये अच्छा फैसला लगता है कि बीएसपी पूरे देश में अकेले चुनाव लड़ेगी, लेकिन क्या मजबूती इतनी रह गई है बीएसपी के अंदर कि वो अकेले चुनाव लड़ सके, वो बीजेपी को टक्कर दे सके और फिर से एक मजबूत इफेक्टिव पॉलिटिक्स कर सकें? ऐसा फिलहाल नज़र नहीं आता है, क्योंकि मायावती की पॉलिटिक्स में साफ तौर पर ठहराव नज़र आता है, बीएसपी की सियासत कमज़ोर नज़र आती है और बीएसपी का वोट बैंक खिसकता हुआ नज़र आता है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीएसपी का वोट बैंक पूरी तरह से खिसक कर बीजेपी के पाले में चला गया। तो क्या बीजेपी को बीएसपी के नुकसान का फायदा हो रहा है? क्या बीजेपी को बीएसपी की कमजोरी का फायदा हो रहा है? तो इसका जवाब हाँ में है। कहीं न कहीं ये साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि बीएसपी और मायावती वो फैसले ले रही हैं जिनका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को हो रहा है और विपक्षी पार्टियों को नुकसान हो रहा है। क्योंकि जब तक बीएसपी विपक्षी पार्टियों के साथ खड़ी नहीं होगी, तब तक बीजेपी के लिए बड़ी दिक्कत नहीं है, क्योंकि उत्तर भारत के 12 प्रदेशों के अंदर बीएसपी का वोट बैंक 3% से लेकर 13% तक है और यह वोट बैंक सत्ता लाने और बिगाड़ने दोनों का काम कर सकता है। तो मायावती के फैसले ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव को लेकर, 2024 की सत्ता को लेकर बीएसपी और मायावती से ये फैसले करवाए गए हैं और जानबूझकर एक टारगेट के तहत पंजाब में अकाली दल के साथ बीएसपी का गठबंधन तोड़ा गया है। मजबूरियों की पॉलिटिक्स में मायावती घिरी हुई नज़र आ रही हैं और यह साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि मायावती कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स की शिकार हो गई हैं और उन्हें घर बैठने पर मजबूर किया गया है। मायावती और बीएसपी की पॉलिटिक्स को लेकर आप अंदर की खबरों के लिए लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।